जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, CICPSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। ये है ये जो हमने अभी टाइप टू का क्वेश्चन लेके आया है टाइम एंड वर्क का, तो ये सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। और हमने क्या करेंगे, पेड मेंबर्स के लिए आप ही लोगों का रिक्वेस्ट का ऊपर हमने छोटा छोटा वीडियो बनाने के लिए सोचे हैं। तो टाइप वन वीडियो आप लोगों के लिए हम मतलब ऑलरेडी डाल दिए वीडियो यूट्यूब में, तो आपने शायद उसको देख लिए है। उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस टाइप वन को देखिए। टाइप वन को देखने से तब जाके आप टाइप टू को समझ पाएंगे। और इसमें आप टाइप टू को पहले देखेंगे तो आपको टाइप वन मतलब बिल्कुल आपको टाइप टू को समझ में नहीं आएगा। तो जितना भी टाइप हम दे रहा है उसको 1, 2, 3 नंबर वाइज क्रमानुवाइज देखिए। तो चलिए अभी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले हमारा जो टाइप वन क्वेश्चन था उसमें क्या बोल रहा था कि दो दो के व्यक्ति के बारे में बात हो रहा था, मगर इसमें क्या तीन व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। जैसे कैसे, देखिए, ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क अलोन इन 20, 12 and 50 डेज रेस्पेक्टली। अर्थात ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। अर्थात ये अलग अलग करता है, क्या कौन सा काम है, कितना काम है, कुछ नहीं बताया, सिर्फ बोला आपको काम है। अभी देखिए, इन हाउ मेनी डेज दे कॉम्प्लीट द वर्क टूगेदर। तो तीनों मिल के एक साथ में काम करेगा तो जो काम आपका है उस काम को कितना दिन में कॉम्प्लीट कर पाएगा। तो देखिए, जैसे हम पिछला में किए थे वैसा सेम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख लीजिए। ए का जो टोटल काम को कितना में करेगा, 20 में कर देगा, 20 दिन में। बी कितने में करेगा, बी कर देगा आपको 12 दिन में। और सी कर देगा कितने में, सी कर देगा आपका 15 दिन में। तो अभी आपका टोटल काम ऐसा लेना है कि तीनों में से डिवाइड हो जाए, अर्थात तीनों का LCM। तो तीनों का LCM क्या हो जाएगा, देखिए 60 हो जाएगा तीनों का LCM, क्योंकि 60 एक ऐसा संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा। तो ए का एक दिन का काम निकालेंगे तो 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ए का हो गया एक दिन का काम, 12 को 60 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। तो आपका बी का एक दिन का काम, और 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हो गया सी का एक दिन का काम। अभी आपको बोले हैं कि 60 काम को तीनों मिला के कितना दिन में करेगा, तो तीनों मिला के एक दिन का काम कितना है, ये आपका 3 और 5 हो गया 8, 8 और 4 हो गया आपका 12। तो टोटल आपका एक दिन का काम है 12 और टोटल काम है 60। तो क्या कर देना है, 60 को 12 से कर दीजिए डिवाइड। डिवाइड कर देने से आपका आ जाएगा 5। तो आपका 5 हो जाएगा आंसर। ए बी सी तीनों मिल के क्या कर देगा, ये काम को 5 दिन में पूरा काम को ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ये था आपका टाइप टू का एक क्वेश्चन। अभी आपको टाइप टू का दूसरा क्वेश्चन हम कराएंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है कि ताकि एक क्वेश्चन के बाद जो आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहेगा तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ए बी सी कैन कॉम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 5 and 12 डे। अर्थात ए बी सी तीनों ने मिलकर मतलब एक किसी काम को 24 दिन में, 5 दिन में और 12 दिन में, अर्थात ए ने 24, बी ने 5 और सी ने 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है अलग अलग से। और इन्होंने एक साथ में काम करेगा तो उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो पिछला वीडियो में जैसा आपको मैं बताया था इसमें भी सेम होगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए ए बी सी। तो ए का काम कितना है, ए का पूरा काम कर लेता है 24 दिन में, बी कर लेता है 5 दिन में और आपका सी करता है 12 दिन में। तो ऐसा एक संख्या लेना है ताकि ये सब में आपको इसको कट जाए। तो देखिए, उसके लिए आपको मैं जैसे सिखाया था LCM लेना है। तो देखिए 24, 5 और 12। अभी LCM सबसे पहले आप करिए इसको, आप सो डायरेक्ट 12 में काट दीजिए। तो 12 दुगना 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा 1। तो आपको पता चल गया, इसको करेंगे तो 120 आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो आपका LCM पता चल गया कि आपका LCM है 120। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा हो गया 120 हमारा टोटल वर्क। अभी 24 से इसको काटेंगे, जो 24 से हम इसको काट देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अर्थात ए का एक दिन का काम है 5 यूनिट। और 5 से इसको काटेंगे तो कितने में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24। और ये अर्थात बी का यूनिट का एक दिन का कितना यूनिट काम करेगा, 24 यूनिट। और सी से इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 10।
अभी तीनों को मिला देने से आपका कितना हो जाएगा, तीनों को मिला देने से आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 5, 24 और 30, मतलब आपका हो जाएगा 29 और 39। तो आपका टोटल काम कितना हो गया, 120 बटा 39। तो आपको इसमें एक चीज़ पता चल गया है कि आपको इसमें देखिए ये 39 है, तो 39 को हमने इसमें 120 को 39 से जैसे काटेंगे तो आपको देखिए आपको जैसे 13 में से करेंगे तो 3 13 में होता है 39, तो नीचे आ जाएगा 13 और 3 में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40। तो आपका क्या काम हो जाएगा, 40 बटा जो आपका 13, 13 डेज में क्या हो जाएगा, पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, 40 बटा 13 है जो आपका तीनों मिल के काम को करेगा था, तो 40 बटा 13 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। अभी ये टाइप 3 का क्वेश्चन, तो जैसे हमने आपको बोला था कि वीडियो का हम छोटा छोटा करके लेके आएंगे ताकि उसमें क्या फ़ायदा होगा, जैसे आप लोग बोले थे कि हम लोगों का 12 घंटा 24 घंटा ड्यूटी चलता है, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हमने 2 नंबर का जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। तो इसी टाइप का प्रैक्टिस सेट आपको मिस प्रैक्टिस सेट में कराया जाएगा। तो कल आपका जो है होगा, कल आपका प्रैक्टिस सेट लिया जाएगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट। हमने 2 दिन क्या किया, बेसिक का वीडियो कराया, मतलब कल जो मतलब जो जो बीता हुआ कल है उसमें क्या कराया था, PQRS कराया। आज आपको क्या करा दिया, टाइम एंड वर्क एक मैथ का करा दिया, और कल आपको कराएंगे मिस प्रैक्टिस सेट, और परसों क्या होगा, एक रीजनिंग का वीडियो लेके आएंगे, तो रीजनिंग का कोई बेसिक क्लास लेके आएंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे टाइप 2 खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा।